हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम ब्रजेश कुमार विदानी वीडियो। यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट 29 विच हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन। हेयर डायरेक्शन इज गिवन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड एंसर द क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जो इस प्रकार से है। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जिनका आंसर आपको दिए गए ऑप्शन से करना है। हेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज एन अनपैट्रियटिक मैन हु लव्स नॉट हिज कंट्री विल दस बी ट्रीटेड बाई पोएट्स। इसका आंसर आपको यहाँ पर करना है ऑप्शन से। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा नॉट इमोर्टलाइज। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है सच अ मैन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज विल नॉट अचीव फेम इफ ही इज। इसका आंसर आपको करना है। तो इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हो जाएगा इन नो कंडीशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है पैसेज डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ। पैसेज जो दिया गया है ये किस प्रकार की प्रॉब्लम को बताता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो ब्रेन ड्रेन दिया गया है, करप्शन दिया गया है, ट्रीजन दिया गया है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है इन द पैसेज मैन इज सेट टू डाई इन डबल सेंस विच डी डेथ इज रिपेंटेबल। इसका आंसर आपको करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा ऑब्लिवियन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है द पीपुल हु डज नॉट लव दियर कंट्री आर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में वेरी फ्यू। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है यहाँ पे द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड्स गिवेन आफ्टर द सेंटेंस सेलेक्ट विच एवर वर्ड यू कंसीडर मोस्ट। इसका रिमेनिंग पार्ट इधर है। रिमेनिंग पार्ट इज गिवेन हेयर। रिमेनिंग पार्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। द डॉक्टर सेड दैट ए स्मॉल डेली डैश ऑफ द न्यू ड्रग वुड सून क्योर हिम। यहाँ पर खाली जगह पर आपको वर्ड भरना है। तो इसके लिए ये हो जाएगा डोज। डोज का मतलब होता है खुराक। क्या होता है खुराक, इसका मतलब होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है जो कि फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड है। सिमिली इज, यहाँ पर इसको डिफाइन करना है। सिमिली क्या है, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे है, सिमिली का एक एग्जांपल आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एरिस्टोक्रेसी फ्रॉम द फॉलोइंग। एरिस्टोक्रेसी का अर्थ क्या होता है ये आपको ऑप्शन से बताना है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा गवर्नमेंट बाई द नॉवेल्स, अभिजात वर्ग के द्वारा या कुलीन वर्ग के द्वारा या शिष्टजन के द्वारा जो शासन होता है उसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है टिक द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर ये सिंटैक्स पर बेस्ड है। करेक्ट सेंटेंस जो है उसको आपको टिक करना है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो नाइदर राम नार श्याम हैड डन इट, ये मेरे हिसाब से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है द सरपंच टर्न्ड डैश द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपर्टी। ये मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं बल्कि प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि सेंस गलत हो रहा है। प्रॉपरली यहाँ पर सही रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा टर्न्ड आउट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। थोड़ा सा ये जो बाकी के वर्ड दिए गए हैं या बाकी के वर्ड जो दिए गए हैं इनका यूज़ आप कमेंट के माध्यम से बताइए। हाँ, एक बात और, टर्न्ड जो फ्रेज बनाया जाता है कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे टर्न्ड आउट का मतलब होता है गेट आउट, और टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट, और टर्न अप का मतलब होता है अपीयर हैपन, और टर्न बैक का मतलब होता है टू ड्राइव बैक। ये सब फ्रेजल वर्ब होते हैं जो कि टीजीटी में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है ए गुड जज नेवर जंप्स डैश द कंक्लूजन। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एट उचित रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। लाइन इज इन दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स एंड बर्न द टॉपलेस टावर ऑफ इलियम। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हाइपरबोल हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। पर्सोनिफिकेशन की अगर बात करें तो पर्सोनिफिकेशन में जब किसी नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाता है, पर्सोनिफाई किया जाता है, तो उसमें पर्सोनिफिकेशन होता है। मेटाफोर में होता है डायरेक्ट जो है किसी चीज़ को इसमें उपमा दे दी जाती है, तो वो मेटाफोर होता है। और ऑक्सीमोरन तो आप जानते ही हैं, विरोधाभासी जो होता है मेटाफोर रूपक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए पर्सन टू अ थिंग आर फ्रॉम वन वर्ड
टू अनदर टू विच इट डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग इज कॉल्ड। यहाँ पर जो है आपको बताना है कि किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होता है जब किसी जो है क्वालिफाइंग एडजेक्टिव को ट्रांसफ़र किया जाता है या किसी वर्ड को ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे वर्ड के लिए जो स्ट्रिक्टली बिलोंग नहीं करता है। इसके लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है तो एक प्रकार से एडजेक्टिव पर बेस्ड होता है, एक प्रकार के एडजेक्टिव को दूसरे प्रकार के एडजेक्टिव में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 14 इज चूज द करेक्ट एनिमल क्राई टू कम्प्लीट द सेंटेंस। डॉग्स बार्क, लायंस रोर, बट फ्रॉग्स डैश। यहाँ पर आपको इसके लिए वर्ड चुनना है ऑप्शन से, तो मेरे हिसाब से क्रोक हो जाएगा। क्रोक का मतलब होता है टर टर करना। क्या क्या होता है टर टर करना। और ब्लीड का मतलब होता है मिमियाना, या ये जो है ब्लीड होता है भेड़ के लिए या बकरियों के लिए। और कू होता है ये क्या कहते हैं कोयल के लिए। और क्लक किसके लिए होता है ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया की मीनिंग यहाँ पर आपको बतानी है। इसकी मीनिंग हो जाती है लॉन्गिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट। तो अतीत की बातों पर जो है सोचना ये जो है नॉस्टैल्जिया कहलाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। फ्रेल्टी दाई नेम इज बुवेन। यहाँ पर ये एपोस्ट्रॉफी है, आई नहीं है, एपोस्ट्रॉफी लगाया गया है। तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी जो है फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। वैसे एपोस्ट्रॉफी जो होता है एक प्रकार का पर्सोनिफिकेशन ही होता है, लेकिन यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी ज़्यादा उचित है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये लाइन जो है यहाँ पर फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन ये किसके द्वारा बोली जाती है और किस रचना में जो है किस प्ले में आती है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नोन एज। ये किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ ओनोमोटोपिया हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगर बात करते हैं अलिट्रेशन की, अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट। ये इसका सेम कॉन्सोनेंट जब रिपीट होता है तो अलिट्रेशन होता है। और अगर ऑक्सीमोरन की बात करें विरोधाभासी, तो इसको मैंने अभी बताया ही, ट्रांसफर्ड एपिथेट भी बताया। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट डैश हिज वर्क। यहाँ पर थोड़ा सा प्रीपोजिशन भर करके इसको करेक्ट करना है। यहाँ पर हो जाएगा आई हैव ऑफन फाउंड हिम नेग्लिजेंट इन हिज वर्क। यहाँ पर इन हो जाएगा, यहाँ पर इन हो जाएगा, सॉरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है पंक्चुएशन पर बेस्ड है पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स। इसके लिए ऑप्शन आपको बताना है। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, इसका जो है डायरेक्ट हम देख लेते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन इसका इधर दिया गया है, ये यहाँ पर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन। एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट इट, एज ही वॉज वैलियंट आई ऑनर हिम, बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्लू हिम। ये हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है जॉन गॉल्सवर्थी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। इसका आंसर हो जाएगा 1932। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन द USA वाज। यहाँ पर आपको जो है ऑथर का नाम बताना है कि किसने जो है USA का पुलित्जर प्राइज जीता था सबसे पहले। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है झुम्पा लहरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इनसे संबंधित कुछ मैं और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। झुम्पा लहरी का जन्म जो है 11 जुलाई 1967 में हुआ था, 1967 में इनका जन्म हुआ था। और ये इंग्लिश और बंगाली दोनों प्रकार के माता और पिता की संतान थी। और इनका जो कार्य है वो ज़्यादातर इन्होंने फिक्शन लिखे हैं, जैसे मालदीप्स है, मालदीप्स द नेम सेक और अनकस्टम्ड अर्थ एंड द लोलैंड, ये जो है इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैग्निटी। मोटिवलेस मैग्निटी पद से किसको यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका पोलोनियस। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर ये टाइगो नहीं बल्कि ये इयागो है, टाइपो मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है
कांग्रीव ट्राइड हिज हैंड एट, कांग्रीव जो लेखक थे इन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है कॉमेडीज ऑफ, सॉरी इन्होंने लिखा है कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद, बेन जॉनसन का नाम किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो बेन जॉनसन का नाम यहाँ पर कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर से 24 के लिए हो जाएगा, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर से रिलेटेड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया गया है इसमें थोड़ा मिस्टेक हुई है, ये कॉमेडीज ऑफ मैनर से रिलेटेड है। यहाँ एक ही जैसे ऑप्शन को मैंने पढ़ा था इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुई। चलिए अंत भला तो सब भला, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सैमसन एगोनिस्टीज बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा लिखा गया सैमसन एगोनिस्टीज वास्तव में है क्या ये आपको बताना है। 25 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इज अ प्ले, एक प्रकार का प्ले है, नाटक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, गार्ल्सवर्दीज ट्रेजडीज आर कॉल्ड, गार्ल्सवर्दी की ट्रेजडीज को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर दिया गया सोशल ट्रेजडीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, एन एक्लॉग इज, एक एक्लॉग क्या होता है ये आपको बताना है। 27 के लिए यहाँ पर आंसर है ए शॉर्ट डायलॉग, एक लघु संवाद होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 28, डिनोमेंट जिसको सही से उच्चारण अगर किया जाए तो डिनोमा कहा जाता है, इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये प्ले से संबंधित है, डिनोमा का अर्थ होता है द एंड ऑफ द कॉमेडी, तो ये प्ले या नॉवेल, किसी प्ले या नॉवेल में जो है ये यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 इज एज फॉलोज, क्वेश्चन नंबर 29, ए बैलेड, बैलेड को यहाँ पर डिफाइन करना है कि बैलेड है क्या, गाथा गीत जिसको हिंदी में कहते हैं गाथा गीत, कुछ परिभाषा तो आपको ऐसे ही पता चल गई होगी, गाथा गीत का मतलब होता है जो स्टोरी पर बेस्ड हो। तो यहाँ पर दिया गया है इज अ फॉक सॉन्ग आर ऑरली ट्रांसमिटेड पोएम डीलिंग विद अ पॉपुलर स्टोरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज़ फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन इफ़ यू सपोर्ट मी बाई सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 30 इज एल्यूजन इज, एल्यूजन को यहाँ पर डिफाइन करना है कि एल्यूजन है क्या, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, एन इनडायरेक्ट आर पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट पर्सन प्लेस आर आर्टिस्टिक वर्क, इसका आंसर हो जाएगा किसी ऐसी घटना के बारे में ये होता है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से या गुजरी हुई घटना होती है, किसी व्यक्ति से संबंधित होती है या फिर किसी व्यक्ति का आर्टिस्टिक वर्क होता है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विल। थैंक यू वेरी मच।